साफ करने में ही पूरा एक वीक चल रहे हो। दिवाली आने वाली, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से उठो उठो वरना तुम दोनों को घस। देखो और पटाखा भी अच्छा वाला लेना, खराब वाला मत लेके आ जाना। ये तो कितना सारा गिफ्ट मिला है, सब में कुछ अलग। इतने सारे सोन पापड़ी से तो मैं एक दुकान खोल लूंगी। ओ मामा, आपको पता है एक वीक के बाद ना दिवाली स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग को तो घर साफ भी नहीं हुआ है, क्या होगा अब? और हमारा घर तो इतना बड़ा है, इसको साफ करने में ही पूरा एक वीक चल जाएगा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि दिवाली आने वाला है यार। अरे बेटा तुम डरो मत, देखो मेरे पास ना बहुत पैसा है, मैं किसी को भी खरीद लेती हूँ। और अभी मैं ना 3 मेड्स को बुला रही हूँ, तो देखना वो पूरे घर को साफ कर देंगे ऐसे ही। देखा बेटा, मैंने बोला था ना, अब ये देखना चकाचक कर देंगे एक बार में घर को। ओके, तो तुम लोग सुन ली ना, घर का बहुत अच्छे से सफाई करना, क्योंकि दिवाली है इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा पैसा देने वाली हूँ। चार दिन बाद दिवाली है और तुम लोग बस बैठे रहो, कुछ काम नहीं है तुम लोग को? मैं कोई नौकरानी खरीद के नहीं लाऊंगी, समझे ना, तुम ही लोग को सब सफाई करना है। पूरा घर गंदा पड़ा है और तुम लोग बस आराम कर रहे हो। दिवाली आने वाली, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से उठो उठो वरना तुम दोनों को घसीट के मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, जल्दी उठो। अरे यार मम्मी, हम लोग कैसे करेंगे सफाई, हम लोग को शॉपिंग के लिए भी जाना है, कोई किसी को बुला लीजिए ना, वो कर देगी। मम्मी मैं बता रहा हूँ, इस बार मैं सफाई नहीं करने वाला हूँ, पिछले साल भी आपने मुझसे सही काम करवाया था, मेरा पूरा दिन निकल गया था, मैं कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाया था। मुझसे जबान लड़ा रहा है, मुझसे? चलो अब जल्दी से मोबाइल रखो और काम पे लग जाओ। इस साल की दिवाली के लिए मैं खुद से रंगोली बनाने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद है रंगोली बनाना। मैं हमेशा तो बना नहीं पाती हूँ, हमेशा मैं बिजी इतनी हो जाती हूँ, पर इस बार तो मैं पक्का बना के रहूंगी। वाव। अरे वाह बहन, ये तुमने बनाया रंगोली, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ मैं खुद से बनाई हूँ, मुझे बहुत पसंद है रंगोली बनाना, इसलिए मैं बनाई हूँ। केवल एक पीस ही बन पाया पर बहुत मेहनत से बनाई हूँ। मैं तो चली रंगोली बनाने के लिए, क्या तुम्हें मेरे साथ बनाना है? अरे मुझे ना नहीं आता है रंगोली बनाने के लिए, इसलिए मैं नहीं बना पाऊंगी, तुम खुद से बना लो। हाँ बहन तू भी मत बना खुद से, तुझको भी तो नहीं आता है बनाने के लिए, क्या बनाएगी? मैं ना हर साल दिवाली में रंगोली बनाती हूँ और मैं ना यूट्यूब से ये सबसे देख के नहीं बनाती हूँ, मुझे खुद से आता है बनाने के लिए। हाँ मुझे नहीं देखना, मुझे मालूम है तुमको कितना आता है, चले जाओ, जब बन जाएगा तब देख लेना। मैं तो रंगोली मास्टर हूँ, मुझे सबसे अच्छा आता है बनाने। A few moments later. अरे वाह बहन, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगा तुझे नहीं आता है। मुझे सब कुछ आता है। क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? कुछ पैसे चाहिए तुम लोग को? वो मम्मा एक्चुअली दिवाली आ गया है, हम लोग को ना पटाखे खरीदने हैं, पर पैसे नहीं है हम लोग के हाथ में, इसलिए मुझे आपसे पैसे चाहिए था। तो ज्यादा पैसे मत दीजिए, बहुत कम चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए। ओ ऐसा बात है बेटा, पर देखो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ना तुम दिवाली पे ना फायरवर्क्स या क्रैकर मत खरीदो, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है, इसलिए तुम लोग ज्यादा मत खरीदना। मैं ना बहुत कम पैसा दूंगी, ये लो सिर्फ ओनली 20,000, इससे जितना हो सके बस उतना ही खरीदना, ज्यादा मत खरीदना, ठीक है? शुक्रिया मम्मा, आपको बहुत बहुत थैंक यू। देखो भाई, इस साल हम लोग कितना कम क्रैकर्स खरीदे हैं यार, हम लोग को सब चीज देख के चलना होता है ना। हाँ बहन सही बोल रही हो। चल भाई अब टाइम आ चुका है मम्मी से पैसा मांगने का। हाँ चल साथ में मांगेंगे तब मिल जाएगा हम लोग को पैसा। मम्मी क्या हुआ, क्या काम है? अभी मैं खाना बना रही हूँ ना।
वो मम्मी आप बोली थी कि अगर घर का सफाई हो जाएगा तो हम लोग दोनों को आप पटाखे के पैसे देंगे। हाँ हाँ याद है मुझे, बाद में दे देंगे। पर मम्मी आप बोले थे कि घर का सफाई हो जाएगा तो आप पैसा देंगे। अरे 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 देखो इसमें टोटल 500 रुपया है, इसमें से 300 का तुम लोग पटाखा खरीद लेना और 200 का कुछ सामान खरीदना है वो ले आना, ठीक है? और पटाखा भी अच्छा वाला लेना, खराब वाला मत लेके आ जाना। चलो अब जाओ। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। ओह थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली बेटा, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ओह थैंक यू अंकल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो कितना सारा गिफ्ट मिला है, सब में कुछ अलग अलग प्रेजेंट होंगे, मेरा तो दिन बन गया। दीपावली की ढेर सारी बधाई, ये लो आपके लिए सोन पापड़ी। ओह थैंक यू। हैप्पी दिवाली। थैंक यू आपको भी। लो बेटा सोन पापड़ी खाओ, मजा आ जाएगा। ले लीजिए दीदी आपके लिए स्पेशल। सारे लोग बस मुझे सोन पापड़ी देके ही चले गए, कुछ गिफ्ट्स मेरे लिए नहीं आया यहाँ पे। इतने सारे सोन पापड़ी से तो मैं एक दुकान खोल लूंगी। अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ, मुझे ही खाना होगा। और वैसे भी मुझे तो बहुत पसंद है और यम्मी भी होता है बहुत। गाइस होप यू एंजॉयड आवर दिवाली स्पेशल वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। एंड विशिंग यू आर ऑल हैप्पी दिवाली। और अगर कुछ मिस्टेक हो गया मुझसे तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। तब तक के लिए एंजॉय योर फेस्टिव सीजन एंड कीप स्प्रेडिंग द लाइट्स।